भगवान को ऐसे लोग प्रिय नहीं जिनका तन तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं। भगवान को ऐसे लोग प्रिय हैं, तन चाहे जैसा भी हो लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। जिनका मन सुंदर होता है परमात्मा उन्हें लाइक किए बगैर नहीं रह सकता, उन्हें लाइक करता ही है। आप याद कीजिए, ये जो पूतना है ये रूप बदल के गई, जैसी है वैसी नहीं गई, जैसी नहीं है वैसी बन के गई। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान के सामने जाकर कभी दिखावा मत करना। आप दिखावा करके दुनिया को तो पागल बना सकते हो, भगवान को नहीं। आप अगर ये कोशिश कर रहे हो कि हम दिखावा करके भगवान को भी पागल बना दें, आई एम सॉरी टू से, ही इज नोज एवरीथिंग। व्हाट इज योर ट्रुथ? वो तुम्हारी सब सच्चाई जानता है। ये दुनिया वाले तो वो जानते हैं जिनको तुम आउट पे दिखाते हो, लेकिन मेरा ठाकुर जी वो भी जानता है जिसको तुम बंद करके रखते हो कमरे में, तिजोरी में, वो भी जानता है। क्योंकि ही इज गॉड, भगवान है वो, हमारा तुम्हारा जैसा। उसका नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। मतलब क्या हुआ? जो अंतःकरण की जान ले वही तो अंतर्यामी है। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, बहुत बड़ा दिखावा करते हैं। मैंने खुद ने देखा, मैं तो इसी से जुड़ा हुआ हूं। मैं भी, कई लोग कहते हो मैं भी दिखावा करता हूं, हो सकता है ये भी दिखावा हो। मैं बोल रहा हूं ये भी दिखावा हो। तुम्हें बहका सकता हूं, भगवान को तो नहीं। मेरे शब्दों से तुम तो फंस सकते हो, भगवान तो नहीं फंसेगा। हाँ या ना? अगर मेरा लक्ष्य यह है कि मैं दिखावा करके तुम्हें मोह लूं, तो मेरा ठाकुर जी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मेरा कृष्ण मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पूतना में और हम लोगों में अंतर होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भगवान हमसे मिलते नहीं, कहीं ना कहीं कमी रही होगी हमारी। अगर मेरी आह तुम तक न पहुंचे तो समझना कि मेरी आह में ही कमी रह गई। क्यों? क्योंकि वो तो आने के लिए तैयार था, आ क्यों नहीं पाया? कहीं तो कोई मिस्टेक हुई होगी हमसे, कोई तो मिस्टेक हुआ होगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपटी लोग पसंद नहीं। और ये कपटी तो है, सुंदर बन के गई लेकिन अपने स्तन से विष लगा कर गई, कालकूट विष, कृष्ण को मारने के लिए गई और वैसे मौसी बनकर गई। हे मेरे भाई बहन, जिंदगी में याद रखिए, भगवान के समीप जब भी जाओ स्वच्छ और निर्मल पवित्र मन से जाओ। जब आप पवित्र मन से भगवान से मिलने जाओगे तो मेरा ठाकुर जी तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, वो इग्नोर नहीं करते किसी को, वो सबसे मिलते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। पूतना को देखा, देखते ही कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूतना पहुंची ना, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों कर ली? बोले तुम्हें नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बोले तुम्हारे मन में कपट है, लेकिन तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो गति हमने मैया यशोदा के लिए सोच रखी है वही गति हम तुम्हारी करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारी गति। कृष्ण ने पहले जहर पिया, फिर प्राणों का पान किया, और जो गति मैया यशोदा को देनी थी वो पहले पूतना को दे दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कृष्ण कितने दिन के? 6। आज कृष्ण 6 दिन के हुए जब जहर पिया उन्होंने। लोग कृष्ण पर संदेह करते हैं कि वो माखन चुराते थे। अब अच्छाई तो नहीं देखते, वो जहर भी पीते थे, ये अच्छाई तो किसी को नहीं दिखती। आप पी के देख लो जहर, आप 6 साल 6 दिन के नहीं, आप तो 6 साल से ऊपर हो, आप जहर पी के देख लो और फिर बच जाओ। अगर वो रास रचाता है, अगर वो माखन चुराता है,
लेकिन वही मेरा कृष्ण है जो जहर पी जाता है, अग्नि का पान कर जाता है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। एक महात्मा जी की कथा याद आ रही है मुझे, अगर आप कहें तो याद दिला दूं, आपको सुना दूं, समय है, है? सुना मैं। एक महात्मा जी जा रहे हैं संग में चार पांच चेला, चार पांच चेला है। तो महात्मा जी ने देखे माँ सामने मदिरालय है, तो सबसे कहा भाई मन कर रहा है मदिरा पीने का, जितने भी चेला थे वो दंग, गुरुजी मदिरा पींगे, टेंशन में आ गए। तो गुरुजी ने कहा जाओ लेके आओ, जट ले आए मदिरा। गुरुजी ने कहा चेले से जिसको लेनी है ले लो भैया, हम तो ले रहे हैं, जिसको लेनी हो ले लो। और लोग सोच रहे हैं जब गुरुजी ले रहे हैं तो हमें का राम खाए, जब गुरुजी ले रहे हैं तो हम उलेंगे। जट सब उठा लाए, सब पीने लग गए, गुरुजी ने भी पी और चेले ने भी, सबने पी। एक चेला था जो सिर्फ देख के दर्शन करता रहा, उसने नहीं पी। चार लोग सारे थे पी ले, अरे बोले नहीं मुझे नहीं। अरे जब गुरुजी पी रहे तो तू गुरुजी तो बड़ोएगा, जब गुरुजी पी रहे हैं तो तू पी ले, गुरुजी तो बड़ोएगा तू। अरे बोले नहीं गुरुजी तो बड़े नहीं है हम पर, हमारी इच्छा नहीं है, जो गुरुजी कर सकते वो हम कैसे कर सकते। अरे बोले नहीं नहीं तुम मत रखो। वो सब लगा गए गट की पूरा, गुरुजी पी के फिर आगे बढ़े। तो वहां पर कुछ लोग अग्नि पे ताप रहे थे, जो इंगान क्या बोलते उसको, जो आग लगा के तापते उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लाव अलाव, हमारे यहाँ बात कहते हैं इगानो, इगानो तापे बेकाजी, ब्रज में कहते हैं इगानो। अरे भैया इगानो बज रहा है, इगानो जरा ले तापिंगे, तो इगानो इगानो पजरो कंडांते, कंडा कंडा समझ गए, गोबर के उसको क्या कहते हैं, कंडा ही कहते हैं ना, कुछ कुछ सेम है कंडा। अब महात्मा जी वहां पहुंचे तो महात्मा जी ने बिना चिमटा पकड़े कंडा उठाए, वो अंगारे जो जल रहे थे धधकते हुए, गुरुजी ने उठाए हाथ से और खाने लग गए और कह दिया जिसको खाना है खा लो भैया, जिसको खाना है खा लो। अब कौन खाए, आग खाए कोई नहीं खाएगा ना। अब वो जो जिसने नहीं पी थी वो कह रहे भैया लगो, अरे बोले नहीं जल जाएंगे, अरे काहे जल जाएंगे, जब पीने में शर्म नहीं आई तो लगाओ। हाँ बोले ना 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 क्यों ना, हाँ जब पीने में तो एक सेकंड भी नहीं लगाई, अब कर रहे हो माई माई, इसका मतलब क्या है इस कथा का, इसका मतलब है कि गुरुजन वो भी कर सकते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं करते, भगवान वो भी कर सकते हैं जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते।